हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित करवाई गई वार्षिक परीक्षा मार्च 2019 में जिन निजी विद्यालयों के अध्यापकों और प्राध्यापकों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में बोर्ड कार्यालय द्वारा लगाई गई थी, उनमें से अनुपस्थित रहे पर्यवेक्षकों के संबंधित विद्यालयों द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना राशि के रूप में जमा करवाए जाने थे, लेकिन कुछ विद्यालयों की ओर से ये जुर्माना राशि नहीं भरी गई। ऐसे विद्यालयों को जुर्माना राशि 5,000 रुपये ऑनलाइन भरने के लिए 20 मई से 25 मई 2020 तक का समय दिया गया। भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस फरमान को तुगलकी फरमान करार दिया है। ये बच्चों का मामला है और बच्चों का मामला, और मेरे पास जिम्मेवारी है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, तो सरकार अगर कोई सरकार के प्रतिनिधि, ये नहीं है सारी सरकार गलत काम कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ अधिकारी कर रहे हैं ये काम। अब एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन ने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया, शिक्षा मंत्री जी की नोटिस में ना हो, आपके मुख्यमंत्री जी के नोटिस में ना हो, तो ये इस प्रकार के अपने अपने ढकली अपना अपना राग, इस प्रकार का सिस्टम नजर आ रहा है कि सरकार की नोटिस में इस प्रकार की शायद कोई बात नहीं है, और सरकार ये गलत काम करती है तो किसी प्रकार से उसको बर्दाश्त नहीं।